हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी महादेवी। आज मैं आप लोगों को टेस्टी एंड हेल्दी स्नैक्स बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बनने वाला टमाटो सैंडविच बताऊंगी। इसके लिए हम लोग एक कढ़ाई रख के कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद बारीक कटे हुए ऑनियंस डाल देंगे इसके अंदर। ऑनियंस को लाइट ब्राउन होने देंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे थोड़ा क्रंची ही रखना है। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसके अंदर हम लोग बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। आप लोग अपनी सैंडविच के हिसाब से टमाटर और ऑनियन डाल सकते हो। दो से तीन स्पून स्वीट कॉर्न डाल देंगे। आप लोग चाहे तो इसके अंदर आलू भी डाल सकते हो। अभी हम लोग इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, वो सिंपल सा बनता है पर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। देखिए टमाटर पूरी तरह पक चुका है। अभी हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे जिससे टमाटर की खटाई बैलेंस कर सके। हमें इसे ज़्यादा मीठा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चीनी डालेंगे। चलिए तो अभी हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक ब्रेड को एक तरफ बटर लगा चुकी हूँ, दूसरी तरफ टमाटो केचप लगा चुकी हूँ। जिस तरफ टमाटो केचप लगाए उसी तरफ हम लोग जो टमाटर का मसाला बना के रखे हैं वो लगा देंगे। और दूसरे ब्रेड को भी मैंने रेडी करके रखा है, एक तरफ केचप एक तरफ बटर लगा के। अभी हम लोग इसे भी इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे से सेक लेंगे। आप लोग चाहे तो इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ डालिए, चीज़ डाल के भी बना सकते हो, या जो टमाटर का मसाला है उसके अंदर मायनीज डालिए, मायनीज डाल के भी बना सकते हो, या आपकी पसंद पे इसे जिस तरह चाहे उस तरह आप लोग मोड़ सकते हो। इसमें आप लोग चाहे तो बारीक कटे हुए कैरेट, उबला हुआ आलू भी डाल सकते हो, ये आपकी पसंद है। हमारे घर में इसी तरह पसंद करते हैं, मैं कभी भी इसी तरह बनाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलते रहे। अभी हम लोग इसे दोनों को अच्छी तरफ सेक, दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो इसे बटर की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो, घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम लोग और एक सैंडविच बना लेते हैं। इसे बच्चे बड़े सभी लोग बहुत चाव से खाते हैं। आप लोग अपने घर में ट्राई करके देखिए, अपने आपके घर के बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगा।
ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपने फैमिली को खिलाइएगा, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। ओके बाय।